हाय मैं जितेश सर, आज अपने YouTube चैनल अजितेश सर रीजनिंग में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। आपके हर एग्जाम में मेरे द्वारा बताए गए सटीक ट्रिक से आप नंबर बहुत इजीली प्राप्त कर सकते हैं। आज हम आपको रीजनिंग का एक क्वेश्चन दिखाते हैं कि वो क्वेश्चन कैसे बनता है, लोग कैसे बनाते हैं, गलत हो जाता है, मेरे ट्रिक से किस तरह से सही बना सकते हैं। देखते हैं कि 431 का संबंध 12 से है तो 5345 का संबंध किससे होगा। लोग क्या बनाते हैं, सबसे पहले करते हैं 12 तक कर देते हैं, 4 + 3 + 1 = 8। 8 में अगर 4 जोड़ दिए तो क्या आ गया, 12। हाँ 12 तो आ गया भाई, 12 तो आ गया। अब वो भी आगे देखते हैं कि 3 + 4 + 5 करे तो क्या आता है, 9 = 12, 12 + 4 करना है तो 16। 16 कहीं भी इस ऑप्शन में नहीं है, 16 कहीं भी इस ऑप्शन में नहीं, तो ये तो गलत हो गया भैया, ये गलत हो गया। बनाना कैसे है वो मैं आपको बताता हूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या है 431, अगर हम इसे गुना करते हैं, 4 × 12, 12 × 1 = 12 आ गया 12। अब उसी तरह से 345 को करते हैं गुना, 5 × 20, अब 20 × 7, ऑप्शन 60। गौर से देखिएगा, गौर से इसे देखिए, गौर से देखिएगा रीजनिंग के इस दूसरे से पार्ट को कि कितना इजी बनता है क्वेश्चन। मैंने पहले पार्ट को भी बताया, आप गौर से देखिएगा दूसरे पार्ट का क्या है। 34 का संबंध 169 से है तो 23 का संबंध क्या होगा, मैंने ऑप्शन भी दे रखा है। बनाना कैसे है, ये सिंपल सा ट्रिक है, आप अपने दिमाग पर जोर नहीं देने का, बताते हैं कि ये बनता कैसे है रीजनिंग का। ये क्वेश्चन बहुत ही सटीक बनता है, हम देख रहे हैं 34 है, 169 है, बहुत ही टेंशन है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, केमिकल लोचा दिमाग में है, बन नहीं रहा है, ऑप्शन भी है, क्या मारे, देखते हैं क्या बनता है। हम सबसे पहले 34 को 3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो गया, 9। फिर क्या करते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 916। अब इसे हम क्या करते हैं, पलट देते हैं, क्या करते हैं, पलट देते हैं, 16 को पहले लिखते हैं और 9 को बाद में, 169 आ गया, 169। अब क्या है 23, अब 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, पलटेंगे 94, आंसर क्या है 94। गौर से देखिए, गौर से देखिएगा और कीजिएगा, देखिए रीजनिंग के इस सवाल को गौर से देखिएगा। आपके बिफोर सवाल को भी आपने देखा, बहुत इजी ढंग से बनाया था। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचाइए। देखते हैं क्वेश्चन क्या, 12 का संबंध क्या है, 7 से है तो 16 का संबंध किससे होगा। 12 का संबंध 7 से है तो 16 का संबंध किससे होगा, गौर से देखते हैं। अगर हम सिंपल देखते हैं लोग क्या करते हैं, लोग बनाते कैसे हैं, 12 - 5 तो 7 कर दिए, अब 16 - 5 करेंगे तो 11 होगा, 11 कहीं ऑप्शन में है तो हमें दिख रहा है नहीं ना, तो ये हो गया गलत। हम देखते हैं, जितेश सर देखते हैं और दिखाते हैं और बनाते हैं, आपको वेस्ट नॉलेज देते हैं कि बनता कैसे है। क्या है 12 को अगर हम 2 से भागा कर दे तो कितना आएगा, 6, और 6 में 1 जोड़ दे तो कितना आएगा, 7। गौर से देखिएगा, बहुत इजी है भैया, बनाते बनाते बन जाएगा। ये है 16, 16 को अगर 2 से भागा देते हैं तो हो गया 8, और 8 में 1 जोड़ देते हैं तो कितना होता है, 9। 8 में 1 जोड़े तो क्या हो गया, 9, ऑप्शन 9। आप बहुत ही अच्छी ढंग से इस चीज को बना सकते हैं और देखते रहिए, बनाते रहिए, इस तरह क्वेश्चन को पाने के लिए, बनाने के लिए और समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका प्यार मुझ पे मिलता रहे, मिलता है और हमेशा मिलेगा। मैं अपने बच्चों को
अच्छा से अच्छा नॉलेज दूंगा ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज में। मेरा ऑफलाइन क्लासेज अजितेश सर रीजनिंग अथमलगोला में इंडियन ओवरसीज बैंक के पास चालू है, जहां से प्रैक्टिस जीएस रीजनिंग मैथ इंग्लिश हर चीज का नॉलेज मिलता है। मेरे ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं मिलता हूं अगले पार्ट में, अगले क्लास में। जय हिंद।